बेसी मारे हमने सबको अलग अलग उसके अंदर डाला ताकि हुक के अंदर तो थोड़ी सी ब्लैक का शेड ले लेते हैं। फुल क्या खिलाया जाता है इन, स्पेशल इनकी डाइट इन कलर की घूम रही है वो मसाज फिश है मछली। 3 इंच का साइज है इनका और ये पियर है। हाँ 800 रुपये दर्जन है, 100 रुपये पियर है। और ये टॉपी तो बाहर पड़ी हुई है, स्टीम लॉच पड़ी हुई है। ये 5 इंच का साइज है। अच्छा ये पेयर है अलग अलग। ये 1.5 इंच का साइज है, 1.5 साइज इसका एंजिल जो बड़ी वाली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज एक बार फिर से हम विज़िट करने जा रहे हैं एक्वेरियम हाउस। आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं कि आप लोग एक्वेरियम हाउस को विज़िट करें, तो हमने सोचा क्यों ना आज एसके मरीन को फिर से विज़िट करते हैं, देखते हैं आज यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी है, आपको अपडेट करते हैं। तो आज खासकर आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आए हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फिशेज मौजूद हैं, क्या प्राइस है, प्राइस से आपको अपडेट करेंगे। आइए यहाँ के ऑनर से मुलाकात करते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर लिया उन्होंने शॉप को। यहाँ पे कुछ न्यू एक्वेरियम्स भी मैं मुझे नज़र आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं खाली टैंक है, इसको भी मेरे ख्याल से फिल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने कुछ सॉल्ट वाटर की फ़िशेज़ रखी हैं। और इसके अलावा जो इनका सॉल्ट वाटर का रूम है यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीली है शॉप के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी फिशेज़ हैं, आपको प्राइस से अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? अल्लाह का करम है भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। नाम बता दें व्यूवर्स को फिर से। अब्दुल राफे। ठीक है, ये बताएं आज व्यूवर्स को कौन कौन सी फिशेज़ दिखाएंगे आप? आज न्यू टेट्रा भी दिखा देंगे, टेट्रा की कुछ वैरायटी पड़ी हुई है और थोड़ी बहुत चिकलेट की पड़ी हुई है। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ खास खसूसी डिस्काउंट है, कोई ऑफर है? यार डिस्काउंट हर किसी के लिए, मसला ये है कि आज जो माल पड़ा हुआ है जिसकी कीमत मेरे पास कम आई हुई है वो मैं कम में दे सकता हूँ। अब आ रहे हैं 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आके पूछ रहे होते हैं कि भाई वीडियो के अंदर ये चीज़ आपने बताई थी 150 रुपये की, अब ये 250 की क्यों है? तो उसका क्या जवाब होना चाहिए? जो आप रेट कोट करेंगे ये कब तक के होंगे आप? ये इसका टाइम पीरियड बता दें। एक हफ्ते तक के, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक। ये जो आपने रेट देंगे वीडियो में 1 हफ्ते तक, ठीक है। इंपोर्टेड माल के 15 दिन तक के होते हैं। अच्छा, इंपोर्टेड फिशेज की 15 डेज और जो आप अपडेट देंगे फिशेज की वो लोकल जो होती है वेराइटी उसकी हर से हफ्ता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में माल उठाते हैं, 1500 पीस, 5000 पीस इस हिसाब से आते हैं, तो हमें कम में पड़ जाती है कॉस्ट। और इम्पोर्टेड जो आता है वो गिनती के दाने आते हैं, 200 दाने की थैली, 50 दाने की थैली, 25 दाने की थैली, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेड। देखते हैं अभी कितने दाने मौजूद हैं, आइए व्यूअर्स को दिखाते हैं। जी जनाब, स्मॉल फिशेज से स्टार्ट करेंगे, ये बताएं कौन सी फिश है, क्या इसका साइज़ है, क्या प्राइस है? सिल्वर टिप कहलाती है ये, 1 इंच का साइज़ है और 300 का पेयर है। अच्छा, 1 इंच का साइज़ है, 300 का पेयर है। और अगर कोई दर्जन लेता है तो क्या? दर्जन लेंगे तो आपको 1500 पड़ेगी दर्जन, 1500 रुपये। जी जनाब, ये कौन सी फिशेज हैं? ये गप्पी है यार, और गप्पी के अंदर ये अच्छी नस्लों में गप्पी मंगाई गई है, ये 1000 का पेयर है। 1000 का पेयर है और 5000 दर्जन। अच्छा, 5000 रुपये की दर्जन है और 1000 रुपये का पेयर है। जी ठीक है, तो ये इनका मैक्सिमम साइज़ है और मजीद साइज़ बड़ा होगा इनमें? साइज़ इनका मैक्सिमम जो होता है भाई 3 इंच का होता है। अभी इसके अंदर जो फीमेलें पड़ी हुई हैं मेरे पास 1.5 इंच की पड़ी हुई हैं, और मेल जो हैं वो 1 इंच, 1.5 इंच पे हैं। जी जनाब, इनके बारे में बताएं, ये जो काफ़ी ज़्यादा मुझे रश नज़र आ रहा है यहाँ पे, कौन सी फिशेज हैं? ये रेड आई टेट्रा कहलाती है भाई, और ये 500 का पेयर है और 2400 रुपये दर्जन है। 2400 रुपये दर्जन है और हाँ। पेयर कितने का बता रहे हैं? 500, 500 रुपये। ठीक है, इनका साइज़ कितना है अभी? अभी ये 1 इंच और 1.5 इंच की दोनों मिक्स साइज पड़े हुए हैं, वहाँ से बोला जाता है कि इतनी सेंटीमीटर की मछली है, तो फिर उसके हिसाब से वो लोग। और ये भी बता दें मैक्सिमम इसका कितना साइज़ आता है? मैक्सिमम जो साइज मैंने अपनी लाइफ देखा है 3 इंच, 2.5 इंच। ठीक, अच्छा, एंजल्स भी? एंजल्स के बारे में बताएं। एंजल्स मेरे पास ये स्मॉल पड़ी हुई है, 600 का पेयर है। 600 का पेयर है, 2400 रुपये दर्जन है। ठीक है, और अभी ये सारे यानी और मजीद साइज निकालेंगे? हाँ, इनके साइज तो माशाल्लाह से 8 इंच तक के जाता है। क्या बात है, एंजल्स की तरफ से पब्लिक का रुझान कम हो गया, कोई खास वजह?
यार मसला सेंसिटिव होती है क्या क्या नहीं होती है मसला, ये लोगों को संभालना आती ही नहीं है, ले जाते हैं ले जाके मार देते हैं, फिर आके बताते हैं हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। इसकी केयर किस तरीके से केयर बताएं? सरफ के पानी से पत्थर धो रहे हैं, तो उसके बाद आके बोलते हैं कि मछली वहाँ से ली थी तो सही नहीं चली और यहाँ से ली थी सही चली थी। यानी आपको कहने का मकसद है कि टैंक के अंदर जो भी चीज़ डाली जाती है वो किसी केमिकल से वॉश ना हो, सिर्फ पानी से वॉश हो, खाली पानी, सिर्फ पानी पे आप करें जो भी काम उसका करना है, उसके अलावा परफ्यूम का ख्याल रखें, घर में मच्छर मारने की मेडिसिन जो आ रही हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो एक्वेरियम से दूर रखें उसको। ठीक है जी। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये लेमन सिगरेट है, ये 800 रुपए का पेयर है और 4 इंच 3 इंच का साइज़ पड़े हुए, मुख्तलिफ साइज़ पड़े हुए हैं इसमें भी। अच्छा, 800 रुपए का पेयर है। और दर्जन? दर्जन लेंगे 4200 रुपए। जी इनके बारे में बताएं। ये पॉलर ब्लू है भाई, 600 रुपए का भी पेयर है इसमें, 800 रुपए का भी पेयर है इसमें भी, दो साइज़ मिक्स हुए हुए हैं। अच्छा, तो क्या साइज इनका? अभी इसके अंदर जो पड़ा हुआ है मेरे पास, 1 इंच का भी साइज़ पड़ा हुआ है, 1 इंच से ऊपर भी पड़े हुए हैं 1.5 इंच। तो कमी पेशी होगी इसमें? हाँ, इसमें हो जाएगी। जिन जिन आइटम में क्लाइंट आता है तो लाजमी सी बात है वो एक चीज़ के बजाय 10 चीज़ें और ख़रीद लेता है, अगर उसको प्राइस थोड़े से कम लगे तो। अच्छा, दर्जन कितने की है? दर्जन लेंगे ये भी 4200 रुपये एक है, 2400 रुपये एक है। जी जनाब, गोल्ड फिश के बारे में बताएं। ये छोटी गोल्ड फिश पड़ी हुई है मेरे पास स्मॉल, और इसके अंदर मीडियम साइज भी मिक्स हुआ हुआ है, और इसके अंदर 800 रुपये का भी पियर है और 500 रुपये का भी पियर है। 800 का भी और 500 रुपये का भी है। इसका साइज़ क्या बताया आपने? साइज़ इसका 1.5 इंच 2 इंच, मुख्तलिफ साइज़ों में दो साइज़ पड़े हुए हैं। और दर्जन? दर्जन कोई लेगा तो एक के 2400 रुपये दर्जन है और एक 4800 रुपये दर्जन पड़ेगी, 4200 सॉरी। ठीक है, 4200 रुपये दर्जन। जी जनाब, इनके बारे में बताना। ये फ्लोरोसेंट टेट्रा है भाई, 400 रुपये पियर है, 1800 रुपये दर्जन है, और इसके अंदर साइज जो पड़े हुए हैं मेरे पास 1 इंच 1.5 इंच, मुख्तलिफ साइज़ हैं। और सारी येलो कलर की हैं? येलो भी हैं और इसका बराबर के अंदर उसी का दूसरा कलर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये दूसरा कलर है जी। अच्छा, प्राइस सेम है? हाँ, प्राइस सेम, साइज भी सेम है, प्राइस भी सेम। हाँ, मिक्स साइज में आती हैं। जी जनाब, ब्लू लाइन शार्क के बारे में बताएं। ये ब्लू लाइन शार्क मेरे पास, इसमें भी दो साइज डले हुए हैं, एक 800 रुपये का पियर है, एक 600 रुपये का पियर है। अच्छा, और इनका साइज के अंदर जो पड़े हुए हैं, एक 3.5 इंच का पड़ा हुआ और एक 4 इंच और 5 इंच का पड़ा हुआ है। 4-5 का जो साइज़ है वो 800 रुपये का है, जो 3 और 4 का साइज़ है वो 600 रुपये का है। जी राफे भाई, इनके बारे में बताएं। ये रेड जूल पड़ी हुई है भाई, 500 का पियर है। रेड जूल है 500 का पियर है। साइज़ कितने भी छोटे बड़े मिक्स साइज़ हैं, और इसके अंदर जो बड़े साइज़ थे वो तो बिक चुके हैं, छोटे साइज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा। तो ये आपको 2400 रुपये दर्जन पड़ेगी, और 3 इंच 4 इंच की दोनों मिक्स साइज़ हैं इसमें। अच्छा, पेयर के बताएं। पेयर 600 रुपये, 600 रुपये पेयर है जी। कार्प के बारे में बताएं। कार्प नहीं है, ये शिपिंग किंग पड़ी हुई है। शिपिंग किंग पड़ी जी, और ये 1000 रुपये का पेयर है, और इसके अंदर जो दूसरी वाली पड़ी हुई है बड़ी फिश, वो 1000 रुपये का एक पीस है। 1000 रुपये का एक पीस है जी, और इसके अंदर जितने भी साइज़ मेरे पास पड़े हुए हैं वो एक ही साइज़ है, 6 इंच का, 6-5 का साइज़ कहलाता है वो। बड़ी वाली है? बड़ा वाला जो है वो 8 इंच 9 इंच का साइज़ है। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये कैटफिश पड़ी हुई है भाई, 500 का पियर भी पड़ा हुआ है इसमें, और 600 का भी पियर पड़ा हुआ है। इसके अंदर छोटे साइज़ की वो ब्लैक वाली पड़ी हुई है मेरे पास, एल्बिनो जो हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ में, तो दोनों के प्राइस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बताएं डिफरेंस कितना? प्राइस 100 रुपये का फ़र्क है। 100 रुपये का फ़र्क। हाँ। अच्छा, दर्जन के हिसाब से अगर कोई ले, अगर दर्जन के हिसाब से लेंगे, अगर 3000 रुपये की चीज़ है वो 2400 रुपये पड़ जाएगी दर्जन ब्लैक वाली, और एल्बिनो जो उसमें पड़ी हुई है वो 3600 रुपये, 3000 रुपये दर्जन पड़ेगी। अच्छा, साइज़ क्या बताया आपने इनका? इनके साइज़ जो है 3 इंच का भी पड़ा हुआ है इसमें, 2.5 इंच भी पड़ा हुआ है, ब्लैक के अंदर 2.5 इंच का भी साइज़ है और 1.5 इंच का भी है, और एल्बिनो में एक ही साइज़ है 3 इंच। जी जनाब, इस वाले टैंक के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है? इसके अंदर जो पड़ी हुई है भाई, डाइनो पड़ी हुई है, ठीक है, ग्रामी पड़ी हुई है, रेड आई कलर विडो पड़ी हुई है, और प्लेटियाँ पड़ी हुई हैं 2-3 किस्म की, शॉर्ट टेल भी होगी इसमें एक आध दाना अगर हुआ तो, सेवरम के भी बच्चे पड़े हुए हैं इसी में। अच्छा, इनके साइजेस क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं इनकी? यार ये बेचने की नहीं है, स्पेशली हमने अपने लिए रखी है, हमारे टैंक तैयार होंगे तो ये वापसी अपनी अपनी
जगहों पे चली जाएंगी। अच्छा, आप भी दुकान के अंदर अपना शौक पूरा कर रहे हैं? हाँ, ये तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लेना पड़ता है इन चीज़ों में भी। ठीक है, इसके बराबर वाले टैंक उसके बराबर में शिपिंग किंग पड़ी हुई है, वो 200 रुपए का पेयर है और 800 रुपए दर्जन है, वो 800 रुपए दर्जन, 200 रुपए का पेयर। लेकिन मिक्स साइज है, कहीं कस्टमर बोले कि नहीं भाई ए, दिखा ये रहते हो दे ये रहे हो। साइज कितना बता रहे? 3 इंच का भी पड़ा हुआ भाई, 2.5 इंच भी पड़ा हुआ है, 3.5 भी पड़ा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, ये बताए प्राइस सबके सेम है साइज के? जी, प्राइस सबके सेम है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, तो छोटा बड़ा हो। हमारे पास तो थैली का हिसाब चल रहा है अभी, कि थैलियाँ आ रही हैं और डायरेक्ट खोल लें बस, यानी माल ख़त्म करना है बस। हाँ जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये कोई कार पड़ी हुई है वाइट कलर में, इसके अंदर भी मिक्स साइज है, ये 3 इंच का भी पड़ा हुआ है और 2.5 इंच 2 इंच भी, मुख्तलिफ साइज़ों में है, लेकिन प्राइस इनके सेम ही है, 400 पेयर है। और कोई अगर दर्जन लेने के लिए आएगा तो उसको 1200 रुपये दर्जन मिल जाएगी। 1200 रुपये दर्जन है, 400 का पेयर बता रहे हैं जी जनाब। ये इसके बारे में बताएं। ये फ्लोरसेंट टेट्रा है भाई। अच्छा, ये वही है दूसरे कलर में? जी, दूसरा तीसरा कलर है ये, इसका कलर है इसका। उसके अंदर मेरे पास पड़े हुए 3 कलर, एक ग्रीन पड़ा हुआ है, एक येलो पड़ा हुआ और एक ऑरेंज। ठीक है, इनका साइज़ बताएं और इनकी प्राइस बताएं। ये अभी 1.5 इंच का साइज़ है और 400 का पेयर है, अगर कोई दर्जन मांगेगा 1800 रुपये। जी, टिन फिन के बारे में बताएं, टिन फिन बार। ये टिन फाइल बार पे 600 के भी पेयर पड़े हुए हैं इसमें, और 400 वाले भी, 400 के छोटे पेयर हैं और 600 रुपए वाले जो पेयर हैं वो बड़े हैं। अच्छा, साइज़ मेंशन करें। साइज़ इसके अंदर 2.5 इंच 3 इंच और 4 इंच, 3 साइज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइस। हाँ जी जनाब, ये पैरेट पड़े हुए हैं मेरे पास, कुछ अलग किस्म के भी पड़े हुए हैं इसमें, दिल वाले भी पड़े हुए हैं और नॉर्मल भी पड़े हुए हैं हमारे पास पैरेट। तो जो दिल वाले हैं वो 3500 रुपये के पेयर हैं और जो सादे पैरेट हैं वो 2500 रुपये पेयर है। अच्छा, दिल वाले कौन से, ज़रा वो भी दिखा दें। ये जो है ये पड़ा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखे हुए हैं। अच्छा, स्पीशी अलग अलग है इनकी? यार ये बाहर से ही इनके अंदर होती है, जैसे आप दुम टेल वाले मंगाते हैं 50 पीस, तो उसके लगा लें 30 पीस आएंगे थैली में। ठीक है, तो प्राइस अलग अलग इनकी, प्राइजेस मेंशन करें, प्राइजेस मेंशन करें, साइज मेंशन करें। इसके 3000 रुपये भाई दुम वाले के, ठीक है, जो 2500 रुपये का मिल जाएगा, बाकी का वो 4000 रुपये का पेयर है हार्ड वाले, हार्ड वाले वो 3500 रुपये का मिल जाएगा। जी, गोल्ड फिश के बारे में बताएं। गोल्ड फिश के अंदर ये लाइन हेड भी पड़े हुए हैं उसमें, और 4 दाने इसके अंदर रेड कैप के पड़े हुए छोटे वाले। अच्छा, और ये बड़े साइज में? बड़े साइज़ में आजकल यार हम लोग परचेजिंग नहीं हो रही है इनकी। अच्छा, लाइन हेड के अलावा, लाइन हेड तो हम परचेज कर रहे हैं, बाकी का ये गोल्ड फिश रेड कैप की नहीं। इनका साइज बताएं, इनकी प्राइस बताएं। ये 4 इंच का साइज़ पड़ा हुआ भाई और ये 1500 रुपये का पेयर है। 4 इंच का साइज़ है, 1500 रुपये का पेयर है। जी जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये मेरे पास कार पे पड़ी हुई है डायमंड, और उसी के अंदर ये ऑस्कर पड़े हुए हैं कुछ, ऑस्कर का पेयर 2000 रुपये का है और कार पे तो 400 रुपये के पेयर है। अच्छा, ऑस्कर जो आजकल काफ़ी नया हो गई, कम हो गई, पहले तो बहुत आती थी। पहले बहुत आती थी क्योंकि सस्ती पड़ जाया करती थी, थैली के अंदर गिनती के दाने भेज रहे हैं कि उसके ऊपर भी 10 फटी के आ जाती हैं, तो इसलिए महंगा पड़ रहा है माल थोड़ा सा। अच्छा, कमी बेची करेंगे पेयर में? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई क्लाइंट आता है, अगर 2000 रुपये की चीज़ है भाई, 100 200 300 जो भी गुंजाइश होती है वो कर देते हैं, मना नहीं करते। जी जनाब, ये इनके बारे में बताएं। ये बलून मौली है भाई, ये 1.5 इंच का साइज़ है, 1.5 का, और ये पेयर आपको पड़ेगा 1000 रुपये का, 1000 से लेकर 800 रुपये के दरमियान तक के पड़ेंगे ये पेयर, और दर्जन लेंगे तो 4200 रुपये। अच्छा, दर्जन 4200 रुपये की है और पेयर कितने का बता रहे हैं? 800 रुपये। ठीक है, इसमें कितने कलर हैं? एक ब्लैक नज़र आ रहा है, एक वाइट, ऑरेंज है और वाइट है। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये सिल्वर शार्क है पड़ी हुई है मेरे पास, रेम्बो एल्बिनो पड़ी हुई है, 2 किस्म की और शार्क हैं ये, और ये 3 इंच का साइज़ है मेरे पास, और इनसे छोटा भी एल्बिनो का साइज़ है, 1.5 इंच का, 2 इंच का, और ये पेयर 500 रुपये का तीनों। अच्छा, पेयर 500 रुपये का, और कमी पेशी इसमें? कमी पेशी का 400 रुपये का हो जाएगा बस। ठीक है, दर्जन अगर कोई लेता है तो दर्जन में कितने? दर्जन में वही 2400। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये मौली है भाई, और इम्पोर्टेड मौली है ये, लोकल नहीं है ये, 300 रुपये का पेयर है, ब्लू मौली कहलाती है ये, पूरी शेडेड होती है ये ब्लू। अच्छा, साइज़ क्या इनका भी? इनका 1.5 इंच का साइज़ है। और प्राइस? प्राइस 300 पेयर।
और दर्जन 100 रुपये, और दर्जन लेंगे 1500 रुपये। जी जनाब, इस टैंक में कौन कौन सी फिशेज़ हैं? इसमें यार बोस्मानी रैम्बो पड़ी हुई नहीं है, अभी ख़त्म हो गई, बाकी का ये शॉर्ट टेल पड़ी हुई है, और ये टॉपिटो बार पड़ी हुई है, स्टीम लॉच पड़ी हुई है, 3 किस्म की वैरायटियां पड़ी हुई है मेरे पास इसमें। अच्छा, इनकी साइज़ बताएं, इनके प्राइस बताएं। जो अपना शॉर्ट टेल पड़ी हुई है इसके अंदर, उसका साइज़ है 1.5 इंच और वो 1000 रुपये का पेयर है। बाकी का ये टॉपिटो बार पे 1200 रुपये का पेयर है। फिर स्टीम लॉच पड़ी हुई है वो 1500 रुपये का पेयर है, और उनके साइजेस जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, 2.5 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच मिक्सिंग साइज है। दर्जन के हिसाब से ले, दर्जन कितने कितने की? दर्जन पे यही है कि यार 100 रुपये माइनस कर दो, अगर एक चीज़ 1200 रुपये की तो 1100 रुपये की सामने वाले को पड़ जाती है पर पेयर। पर पेयर जी जनाब, अरवाना के बारे में बताएं। ये बंजर रेड अरवाना है, और ये साइज़ इसका 5 इंच का है, और ये 35,000 रुपये की एक पीस है। 35,000 रुपये का एक पीस है जी। साइज़ दो, कितना बताना? दो पीस डले हुए हैं, ये 5 इंच का साइज़ है। अच्छा, ये पेयर है, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं भाई, अलग अलग हैं। 35,000 का पेयर पीस बता रहे हैं? 35,000 रुपये का एक पीस है। और पेयर? पेयर में कहाँ चलती है अरवाना, लोग सिंगल ही टैंक में रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जी जनाब, इस टैंक में कौन कौन से फिशेज हैं? इसके अंदर टिंगफाइल बार पड़ी हुई है, ज्वाइंट ग्रामी डली हुई है, और सेवरम पड़े हुए हैं। सेवरम का जो पेयर है वो 6,000 रुपये का है, ज्वाइंट ग्रामी का 2500 रुपये का है। टिंगफाइल बार जो पड़ी हुई है वो आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, 600 वाली भी डली हुई है, और एक पीस डला हुआ ये बड़ा वाला, ये 1000 रुपये का दाना है। बाकी के इनकी जो साइजेज़ हैं, जैसे सेवरम हो गया 4 इंच का, और 3.5 इंच का साइज डला हुआ है इसमें, तो उसी के साथ ज्वाइंट ग्रामी डली हुई है वो भी 4 इंच का साइज है, और बाकी का ये टिंगफाइल बार 3 इंच, फिर उससे बड़ी वाली जो पड़ी हुई है 6 इंच। जी जनाब, ये बड़े साइज़ में है गोल्ड फिश? जी, ये बड़े साइज़ की गोल्ड फिश है लाइनेट, और इसके अंदर पांडा गोल्ड फिश भी डली हुई है एक पेयर। अच्छा, क्या प्राइस है इनके? ये पांडा गोल्ड जो पड़ी हुई है 2500 रुपये का पेयर है, बाकी के लाइनेट जो पड़े हुए हैं वो भी 2500 रुपये के हैं पेयर। 2500 रुपये का पेयर है इसमें? हाँ, और इनका साइज़ जो है वो 5 इंच, 5 इंच तक इनका साइज है। जी, 5 इंच का इनका साइज़ है। जी जनाब, इस टैंक में कौन कौन से फिशेज हैं इसके बारे में बताना? इसके अंदर इंजील पड़ी हुई है जनाब, और सिल्वर शार्क पड़ी हुई है, लेकिन इंजील जो पड़ी हुई है वो 2 किस्म की पड़ी हुई है मेरे पास, एक हाई फिन में पड़ी हुई है, एक शॉर्ट फिन में। जो शॉर्ट फिन वाली है वो 2500 रुपये का पेयर है, जो हाई फिन वाली है वो 1500 रुपये का पेयर है, बाकी का सिल्वर शार्क का पेयर पड़ा हुआ वो भी 1500 रुपये का है। ठीक है, साइज़ बता देगा इनके? साइज़ इसका एंजिल जो बड़ी वाली पड़ी हुई है मेरे पास 3.5 इंच की है, सिल्वर शार्क जो पड़ी हुई है वो 4 इंच की पड़ी हुई है, फिर छोटी ब्लैक एंजिल पड़ी हुई है हाई फिन में, वो भी 3.5 इंच का साइज़ है दुम के साथ। जी जनाब, ये सेवरम पड़े हुए मेरे पास, ये 10,000 रुपये का पेयर है, बड़ा साइज़ का 10,000 रुपये का पेयर है, 6 इंच का साइज़ है इनका, 6 इंच का साइज़ है, 6 और 5 का साइज़ मिक्स है इसमें। बाकी का नीचे जो पड़ी हुई है वो फायर माउथ पड़ी हुई है, उनका पेयर 4,000 रुपये का है। फायर माउथ का जो साइज़ है वो 2 इंच 1.5 इंच का साइज़ है, और बाकी का इसका 6 इंच का साइज़ है, जो 10,000 रुपये का पेयर है सेवरम का। अच्छा, इम्पोर्टेड है? हाँ, है इम्पोर्टेड दाना। जी जनाब, एंजल्स में ये कौन सी वैरायटी है? ये ब्लैक मार्बल एंजल पड़ी हुई है, ये पेयर 1800 रुपये के हैं, 1800 रुपये का पेयर है, और इनका साइज़ जो है वो 4 इंच है, 4 इंच इनका साइज़ है, 1800 रुपये का पेयर है। जी जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये ब्लैक डायमंड एंजल कहलाती है भाई, और ये 2,000 रुपये का पेयर है, और ये 1,000 रुपये का पेयर है। हाँ, ये आती भी कम है, नया नस्ल है, क्योंकि छोटे साइज़ में 1.5 इंच 2 इंच का साइज़ है ये, या अक्सर लोग आते हैं जो पालने वाले हैं वही हमसे मांग करते हैं भाई ऐसी चीज़ ला के दो, तो दिखने में थोड़ी यूनिक हो। माल साइज़ है? नहीं नहीं, अभी ये छोटी हैं, तो ये 2,000 रुपये का पेयर है, तो इनसे जो बिग साइज़ आते हैं वो 8,000 7,000 9,000 मुख्तलिफ आते हैं। जी जनाब, यहाँ पे कौन सी इंजिल है इनके बारे में? टैक्सीडो इंजिल है भाई, ये भी फैंसी इंजिल है, रेड आई के अंदर है ये, 3 इंच का साइज़ है इनका, और ये पेयर 3,000 रुपये का है, 3,000 रुपये का पेयर है। अच्छा, रेड आइस के अंदर है? हाँ, रेड आइस के अंदर है, और इनका साइज़ जो है वो 2.5 से 3 इंच का साइज़ है। और इस टैंक में कौन से फिशेज हैं? इसके अंदर
वो आसमानी पड़ी हुई है, रसबोरा, सॉरी रसबोरा है ये, और ये पेयर 400 रुपये दर्जन लेंगे तो 1800 रुपये, और साइज़ भी अच्छा है, एक इंच साइज़ मिक्स हुआ हुआ है, लेकिन साइज़ अच्छा है इस बार, वरना साइज़ इनके कमज़ोर आते हैं बिल्कुल। जी राफी भाई, इनके बारे में बताएं कौन कौन से भाई। ये रेड सेवरम के लाते हैं, ये 2 साल तक के तो गायब हो गए थे, अब ये आना स्टार्ट हुए हैं, और ये पेयर 7000 रुपये का है, 3 इंच का साइज़ है इनका, 3 इंच का साइज़ है, 7000 रुपये का पेयर बता रहे हैं जी। ये आ नहीं रहे थे, बीच में शॉर्ट हो गए थे, अभी वापस आ गए। रेड सेवरम के लाते हैं, रेड सेवरम के लाते हैं जी। जनाब इनके बारे में बताएं। ये ब्लू रैम पड़ी हुई है और जर्मन रैम पड़ी हुई है मेरे पास, और ये 1200 रुपये का पेयर है, 1200 रुपये का पेयर है, 6000 रुपये। साइज़ कितना इनका? इनका 1 इंच और आधा इंच, दो मिक्स साइज़ पड़े हुए हैं। अच्छा, 1 इंच और आधा इंच साइज़ है, मिक्स साइज़ इनका जी। ठीक है, 2 कलर हैं जी, 2 कलर जी। जनाब इनके बारे में बताएं, सॉल्ट वाटर की फिश, क्लाउन फिशें पड़ी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अलावा जो पड़ी हुई है वो कौन सी खिलाती है यार, ये नाम जहन में नहीं आ रहा, नाम जहन में नहीं आ रहा है अभी। क्या प्राइस क्या है? क्लाउन का पेयर जो है 18000 रुपये और 3 इंच का साइज़ है, ये 2.5 इंच 3 इंच का साइज़ है क्लाउन, 18000 रुपये जी पेयर, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी फिश है ब्लू कलर की, जो जो ब्लू कलर की घूम रही है वो मसाज फिश है, मछलियों की मसाज के काम में ही आती है भाई, और इसका पेयर जो है मेरे ख्याल से 12000 रुपये का है, 12000 रुपये का, मुझे कंफर्म नहीं है इसके रेट, क्योंकि बंदा जो देने वाला है इसका डीलर वो गायब हुआ है अभी जी। जनाब डिस्कस के बारे में बताएं। ये डिस्कस आई हुई है भाई, ये सारी ओरिजिनल एक नंबर डिस्कस है, और इसके अंदर जितने भी पेयर पड़े हुए हैं मेरे पास वो ही पेयर बचे हैं अब, ये 20000 रुपये का पेयर है मेरे ख्याल से, 20000 का पेयर जी, एक पेयर, ठीक है। और इनको क्या खिलाया जाता है, कुछ स्पेशल इनकी डाइट होती है? इनकी डाइट जो आ रही है अभी, तो हम लोग खिला रहे हैं इनको झींगे, इस टाइप की चीज़ें डाल के दे रहे हैं ताकि ये खा सकें। अच्छा, इनका साइज़ कितना है? बाकी लाइफ के अंदर ब्लड वॉर्म आते हैं, लाइफ ब्लड। अच्छा ये बताएं, जो आप श्रिम की बात करें लाइफ दे रहे हैं या फिर? लाइफ भी डाल रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे ड्राई श्रिम्स होते हैं वो भी खिला रहे हैं, ठीक है। अब इनका साइज़ कितना है? अभी ये 4 इंच का साइज़ है, 4 और 3.5 इंच का साइज़ है इसके अंदर जी। जनाब ये कौन सी फिशेज़ हैं इनके बारे में बताएं? ये भाई इसका नाम जहन में नहीं आ रहा, फ्लैकटेल कहलाती है वैसे तो ये, और ओरिजिनल नाम इसका नेट पे होगा, हम लोग यहाँ पे फ्लैकटेल बोलते हैं। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी और क्या साइज़ है? 10000 रुपये का पेयर है फ्लैकटेल का, लेकिन अभी सही से इसके कलर निकले हुए नहीं हैं, इसके 3 कलर और बाकी हैं अभी, 2 कलर। अच्छा, तो कितने कलर होते हैं इसमें? इसमें 3 कलर होते हैं जो दुम की तरफ दिए जाते हैं इसके, अभी जैसे नीचे इसके रेड आया हुआ है, ऐसी दुम की तरफ ब्लैक इनका डार्क हो जाता है, और ऊपर टेल इनकी पूरी रेड के अंदर वो थोड़ी सी ब्लैक का शेड ले लेती है, फुल कलर आ जाते हैं इनके। साइज़ कितना है इनका भी? अभी इनका साइज़ जो है वो 3 इंच का है, ठीक है, और इसके अंदर 2.5 इंच का भी साइज़ घूम रहा है, 2 साइज़ घूम रहे हैं इसके अंदर। और पेयर कितना बताया आपने, कितने का? 10000 रुपये जी। जनाब न्यू टेट्रा के बारे में बताएं। ये इसमें न्यू टेट्रा डली हुई है, नहीं न्यू नहीं डली हुई है, कार्डिनल डली हुई है मेरे पास, और इसी के अंदर चेरी बार्ब भी डली हुई है। ये पेयर 300 रुपये का है, चेरी बार्ब का भी और न्यून का भी, और ये 1 इंच का साइज़ है मेरे पास, 1 इंच का साइज़ है। और कोई दर्जन लेता है, दर्जन कितने के? दर्जन लेंगे 1500 रुपये दर्जन है जी। जनाब फ्लावर उनको बहुत ही ख़ास तरीके से रखा हुआ है, अलग अलग जी यार, ये अलग अलग ही आए थे, एक एक करके पीस, तो हमने अलग अलग थोड़ा यूनिक चीज़ बनाई हुई है हमने, तो इसी मारे हमने सबको अलग अलग उसके अंदर डाला ताकि खूबसूरत लगे, एक दूसरे से मुलाकात करते रहें। अच्छा, तो ये बताएं साइज़ क्या है, प्राइस कितनी है? ये 6 इंच का साइज़ भी डला हुआ है इसमें, और 5 इंच का भी डला हुआ है, 2 ही साइज़ हैं इसमें, और जो 6 इंच का साइज़ है वो 7000 रुपये का पीस है, और जो 5 इंच का साइज़ है वो 6000 रुपये का पीस है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एसके मरीन को विज़िट किया, यहाँ पे जो भी फिशेस थी आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा यहाँ पे एक्वेरियम्स भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं हर साइज़ के अंदर आप लोग को एक्वेरियम्स भी मिल जाएंगे, मछलियों का दाना, फीड वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं, डेकोरेशन के भी होती हैं एक्वेरियम के अंदर के, और तमाम ग्रेवल्स वगैरह जितने भी होते हैं इसमें डेकोरेशन के तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा राफे साहब, जो आपने हमारे व्यूअर्स को प्राइस कोट किए हैं उसमें डिस्काउंट देंगे, कमी पेशी देंगे? जी बिल्कुल दूंगा, अगर हफ्ते से पहले आप, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें आप। 0310 1183 900 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी का आप आएँ दुकान पे,
जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी मुनासिब प्राइस होंगे वो आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स शिकायत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जजाकल्लाह, कमेंट तो मैं भी देख लेता हूँ। तो व्यूअर्स, ये था एसके मदीन का विज़िट, आज आप लोग के लिए विज़िट किया। आप लोग बताएगा फीडबैक में कि आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे कवरेज करते हैं, खासकर आप लोग के लिए। आप लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब एक कोरियम हाउस को भी विज़िट करें, क्योंकि ये शिपमेंट बंद हो गई थी, शिपमेंट नहीं आ रही थी। अब जैसे शिपमेंट आने लगी है तो हमने विज़िट किया, हमने देखा कौन कौन सी फिशेज़ इस दफ़ा आई हैं, क्या प्राइस चल रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि आप लोग को मुकम्मल प्राइस से अपडेट करें। यहाँ पर जो भी फिशेज़ थी उनकी प्राइस से आपको अपडेट किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्राइस से अपडेट होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।